नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। आज देश अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, आज़ादी का पर्व मना रहा है। हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। आज 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां पर देखिए राजकीय समारोह का आयोजन किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब पहुँचने वाले हैं और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये मुख्य मंच जो है वो बनकर तैयार है। उसके साथ साथ VVIPs के बैठने की व्यवस्था की गई है और इस बार आम लोगों को भी एंट्री दी गई है, उनके लिए भी वाटरप्रूफ पंडाल हर तरफ बनाया गया है। कई सारी परेड की जो टुकड़ियां हैं वो भी सलामी मंच के आगे से गुजरेंगी और देश आज अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन लाल किला पर झंडोत्तोलन कर दिया है और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, जहां राजकीय समारोह का हर साल आयोजन किया जाता है, वहीं पहुंचेंगे अब से कुछ देर में और झंडोत्तोलन करेंगे। देखिए, हम जब आज़ादी का पर्व मना रहे हैं तो हम भी संकल्प लें कि देश की उन्नति के लिए, देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी हमें करना होगा हम वो करेंगे। हम ये संकल्प लें आज इस आज़ादी के त्यौहार के दिन, हमारे राष्ट्रीय त्यौहार के दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला अब धीरे धीरे अंदर की ओर आ रहा है। उन तस्वीरों से आपको जोड़ते हैं बिना किसी देरी के, फिर झंडोत्तोलन होगा। धीरे धीरे एक कालखंड ऐसा भी आया जब भारत के मानचित्र पर बिहार का नक्शा ही गुम हो गया। हम आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के प्रति, जिन्होंने 1912 में बिहार को पुनः मानचित्र पर उकेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी की सवारी गांधी मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। समारोह के मुख्य अतिथि की सवारी के आगे पीछे अगल बगल घुड़सवारों का दस्ता मंच की ओर बढ़ता चला आ रहा है। माउंटेड पुलिस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं चांद घोड़े पर सवार अवर निरीक्षक शशिकांत राम और बादल घोड़े पर सवार हवलदार विजय प्रसाद। इनके अलावा 11 अन्य घोड़ों पर हैं सिपाही रविंद्र प्रसाद सिंह सूची घोड़ी पर, हवलदार सरोज कुमार अंजलि पर, हवलदार अजय कुमार व्हाइट शॉक्स घोड़े पर, हवलदार विद्याशंकर यादव विक्टोरिया घोड़ी पर, हवलदार महेंद्र राम जांबाज घोड़ा पर, सिपाही विकास सिंह मंच के निकट पायलट में हैं, बिहार पुलिस की सिपाही कुमारी दीप शिखा और सुश्री कुशा। आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सवारी मंच के निकट आकर खड़ी हो गई है। उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हैं आयुक्त पटना प्रमंडल पटना, पुलिस महानिदेशक बिहार एवं कमांडर बिहार झारखंड सब एरिया दानापुर, जिलाधिकारी पटना के साथ राज्य सरकार के अन्य वरीय पदाधिकारीगण। माननीय मुख्यमंत्री महोदय मंच की ओर बढ़ते जा रहे हैं, अब कुछ ही देर में उन्हें सलामी दी जाएगी। श्रीमान स्वतंत्रता दिवस परेड। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब खुली जीप पर सवार होकर परेड का निरीक्षण करने जा रहे हैं। साथ में हैं पुलिस महानिदेशक बिहार और परेड कमांडर सुश्री दीक्षा। जीप ड्राइव कर रहे हैं HQRT के ASI मनोज कुमार सिंह। सामने खड़ी टुकड़ियां जवानों की है। सीमाओं पर चौकसी का सवाल हो या दुश्मनों से अचानक हमले का बवाल, आतंकवादियों से दो दो हाथ करने हो या सांप्रदायिक दंगों से जूझना हो, इन जवानों के बिना विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कल्पना भी संभव नहीं है। अपने परिवार से दूर रहकर
ये जवान कभी बर्फीली चोटियों पर, कभी झुलसा देने वाले रेगिस्तानों में, कभी दलदली बंजर इलाकों में, तो कभी अंदरूनी हिस्सों में सांप्रदायिकता, आतंकवाद, प्राकृतिक आपदा के समय अपना कर्तव्य निभाते रहते हैं। सामने चाहे कितनी बड़ी विपदा क्यों ना आ जाए, ये जवान कभी उफ तक नहीं करते और हंसते हुए उन विपदाओं का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। कभी कभी इन्हें मौत को भी गले लगाने के लिए तैयार रहना पड़ता है। जय जवानों की जय हिंद बोली ये ऐसी वैसी बोली नहीं है, बादलों की गरज और तड़प है ये, कायरों की ये टोली नहीं है। हिंदुस्तान वतन है ऐसा जो कोई ना छोड़ पाए, रिश्ता हमारा इससे है ऐसा जो कोई तोड़ ना पाए। दिल होंगे कई पर जान एक है हमारी, हिंदुस्तान हमारा है और इसकी ये शान है हमारी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई सामने खड़ी टुकड़ियों का निरीक्षण करने हेतु, सबसे पहली टुकड़ी जो है वो है सीआरपीएफ की, कंपनी कमांडर है निरीक्षक अशोक कुमार, प्लाटून कमांडर सब इंस्पेक्टर निरंजन, सब इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह एवं इंस्पेक्टर रामफल मांझी। आईटीबीपी दूसरी टुकड़ी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर सनत कुमार ओझा, प्लाटून कमांडर एएसआई सोहन लाल सैनी, एएसआई संदीप। तीसरी टुकड़ी है एसएसबी, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर निरीक्षक अफसर खान, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक गौरव शर्मा। एसटीएफ चौथी टुकड़ी है, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर श्याम सुंदर कुमार, प्लाटून इंस्पेक्टर अजय कुमार, सब इंस्पेक्टर शाहिद हुसैन। बीसैफ वन गोरखा बटालियन, कंपनी कमांडर निरीक्षक श्याम राम, प्लाटून कमांडर एसआईए जगत प्रयाग, एसआईए लाल बहादुर राय। बीसैफ टू महिला कमांडो, कंपनी कमांडर इंस्पेक्टर पगान पुडू, प्लाटून एसआई सुधीर सिंह, एसआई तहसीलदार प्रसाद। झारखंड आर्म्स पुलिस पहली बार भाग ले रही है, कंपनी कमांडर है एएसआई अमित कुमार किस्कू, प्लाटून एसआई सुशील तिर्की, एसआई अरविंद कुमार सिंह। बिहार पुलिस पुरुष, कंपनी कमांडर साजन गौतम प्रिंस, प्लाटून साजन गौतम कुमार, साजन रविकांत शुक्ल। बिहार पुलिस महिला, कंपनी कमांडर साजन अप्पी कुमारी, प्लाटून साजन सुजाता कुमारी, साजन कविता कुमारी। जेल पुलिस, कंपनी कमांडर असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सुश्री ज्योति कुमारी, प्लाटून असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सुश्री रिया कुमारी, असिस्टेंट सुप्रिंटेंडेंट सुश्री कुमारी काजल। मद्य निषेध उत्पाद विभाग, कंपनी कमांडर एसआई दीपक कुमार, प्लाटून एसआई राणा विकास कुमार, एएसआई धीरेन्द्र कुमार सिंह। भारत का नगाड़ा गूंज रहा है दुनिया में, भारत का नगाड़ा गूंज रहा है दुनिया में सितारा। आजादी के दिन आओ मिलके करें दुआ कि बुलंदी पर लहराता रहे तिरंगा हमारा। कुछ ही क्षण में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पवित्र राष्ट्रीय ध्वज हवा में लहराने लगेगा।
तो तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, झंडोत्तोलन की तस्वीर दिखाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे, उन्होंने परेड का निरीक्षण किया है, परेड की टुकड़ियों का निरीक्षण किया है और अब झांकियां जो है वो गुजरेंगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संबोधन भी होना है, देखना है नीतीश कुमार क्या कहते हैं, क्या कुछ बड़ी घोषणाएं करते हैं, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तमाम तस्वीरें हमने तक पहुँचाई हैं। आप लाइव से साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।